पर मैंने अपनी साड़ी निकाल करके रख ली है, जो साड़ी मैं आज वेयर करने वाली हूँ। साथ में मैंने बैंगल्स ली हैं, और बैंगल्स मैंने साड़ी के अकॉर्डिंग ली हैं। दो कलर की बैंगल्स हैं, ब्लू एंड ग्रीन। तो जैसी साड़ी वैसी ही बैंगल मैं पहनने वाली हूँ। और यहाँ पर मम्मी मॉर्निंग में सुबह सुबह बना रही हैं प्रसाद, जो कि भोलेनाथ को चढ़ना है, तो छोटे छोटे पूड़ियाँ बना रही हैं, और हलवा और चने का प्रसाद आज चढ़ेगा। तो आज नागपंचमी है, और ये सारी चीज़ें नागपंचमी में पूजा में चढ़ती हैं। तो बस मम्मी जा रही हैं मंदिर, और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को जो है टॉवल से पोंछ रही हूँ और सुखा रही हूँ। और उसके बाद फिर निधि यहाँ पर आद्या को सुबह सुबह मॉर्निंग में बिस्किट पानी खिला रही है, और इसको ना बिस्किट पानी सुबह सुबह ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, और हम भी एकदम ठीक हैं। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के अभी 8:30 नहीं हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा टाइम? 7:00 का टाइम हो रहा होगा। और आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी वेयर कर ली है, हालांकि पूरी ग्रीन नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन एंड वाइट का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। और ये देखो हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली है, और इस हाथ में मैंने ब्लू पहनी है, क्योंकि साड़ी के अकॉर्डिंग मैंने मैच किया हुआ है। और आज है गुड़िया, हमारे यहाँ तो गुड़िया बोला जाता है, वैसे आज नागपंचमी का त्यौहार है, तो आज नागपंचमी है। और दिन कौन सा है निधि? शुक्रवार। दिन आज फ्राइडे है, और ये मैं एकदम तैयार हूँ, अभी नहा धोकर के आई हूँ, और नहा धोकर के थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और तैयार होने के बाद अभी हम लोगों को जाना है मंदिर, और इससे पहले भी मम्मी मंदिर गई हुई हैं। मम्मी आ जाए तो फिर मम्मी घर पर रहेंगी, बच्चों को देखेंगी, और फिर उसके बाद मैं और निधि जाएंगे। तो अभी मम्मी ने जो पुजापा नहीं चढ़ते हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, और गुड़ और पुजापा और जो हलवा बनता है मीठा वाला आटे का, उसका प्रसाद बनाया है, भोलेनाथ को चढ़ेगा, तो वही मम्मी लेकर के गई हैं मंदिर। सुबह सुबह उठ करके उन्होंने बनाया, और उसके बाद अभी मंदिर गई हुई हैं, और अभी मम्मी आ जाएंगी तो हम लोग जाएंगे। और अभी तक अक्षत की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो मेरा फ़ोन बहुत बिजी था, तो मैं सुबह का जो जो मैंने अभी तक उठ करके किया वो सब मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि उस समय मेरा फ़ोन ही बिजी था। और अभी जब तक घर पर कोई नहीं, तो मेरा एक ही फ़ोन है, यही वाला, तो यही ज़्यादा यूज़ होता है। ये रहते हैं तो दो फ़ोन यूज़ हो जाते हैं, मतलब अगर अक्षत की क्लास चल रही है तो मैं अपने फ़ोन से करा देती हूँ, इनके फ़ोन से वीडियो शूट कर लेती हूँ, बट आज नहीं हो पाएगा। और आद्या आज अपने आप नहाई है, और अभी मुझे इसको भी रेडी करना है, तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मम्मी नाग देवता की पूजा करने वाली है, तो निधि ने सफाई करी थी, लेकिन आद्या ने ना पानी गिरा दिया था, तो मैं इसको वाइपर से खींच रही हूँ। और उसके बाद मम्मी जो है वो मंदिर से आने वाली हैं, तब तक मैं तुलसी की पूजा, केले की पूजा कर ले रही हूँ। और तुलसी जी में मैं सिंदूर नहीं चढ़ाती हूँ, हल्दी ही चढ़ाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी में सिंदूर केवल उसी दिन चढ़ता है जिस दिन तुलसी विवाह होता है। और उसके बाद अभी मम्मी मंदिर से नहीं आई हैं, तो मैं किचन में भी आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पे रात में मैंने छोले जो है वो भिगो करके रखे हुए थे, तो अभी मैं उनको अच्छे से धुल ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इनको कुकर में चढ़ा दूंगी, तो ये पक जाएंगे, सीटी आ जाएगी, और किचन के भी थोड़े बड़े काम हो जाएंगे। Thank you.
आ चुकी हैं, तो अभी आंगन में हम लोग नाग देवता की पूजा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने प्रसाद वगैरह सब कुछ रख दिया है और उसके बाद अभी आ गए हैं दूध वाले भैया, तो मैं दूध लेने बाहर चली गई हूँ। और इनका भी, और सुबह सुबह देख सकते हो कितनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है और कितना ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ दूध बॉयल होने के लिए रख रही हूँ और साइड में मैंने कुकर में छोले जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अभी हम आ गए हैं बाहर, यहाँ पर मम्मी नाग देवता की पूजा करने जा रही हूँ। और हमारे यहाँ इसी रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा करी जाती है, तो बस मम्मी जो है वो दीवार पर हल्दी और कुमकुम से नाग देवता की जो है वो इमेज बनाएंगी और उसके बाद उसको अच्छे से गोबर जो होता है ना, गाय का गोबर, तो गाय का गोबर यूज़ करके इसको इस तरीके से इसके ऊपर गाय का गोबर लगाएंगी। और इसके बाद ना मेरे मांग में सिंदूर लगा रही हैं, जो कि हर सुहागन लगाती है। और इस तरीके से देख सकते हो आप सारी पूजा में जो जो चीज़ें लगती हैं, दूध हो गया और जो लावा होता है, लावा ही बोला जाता है उसको, जो खील बोला जाता है, और उसको भी चढ़ाती हैं। और फूल, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं जो शंकर जी की पूजा में यूज़ होती हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी की पूजा हो गई है और हम हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, तो घर के बड़े ही पूजा करते हैं, सबके घरों में ऐसा ही होता है। और ये मम्मी चढ़ा रही हैं और उसके बाद लास्ट में दूध वगैरह चढ़ा कर आरती करेंगी। तो देख सकते हो आप पूजा हमारी हो चुकी है। मैं और निधि दोनों लोग मंदिर आए हुए हैं, मम्मी पहले ही मंदिर में जल चढ़ा चुकी हैं भोलेनाथ जी को, तो आज के दिन हम लोग जल चढ़ाने जरूर आते हैं। तो बस मंदिर में जल चढ़ा लिया और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। और सावन का महीना है तो बनता तो है ही है। और ये है प्रसाद जो मम्मी ने चढ़ाया हुआ है। हम लोग मंदिर से पूजा करके आ गए हैं और अभी तक मतलब ऐसे ही जल चढ़ाया था, कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये अभी मम्मी ने किए हैं, तो आज के दिन चने और मटन इस तरीके से खाया जाता है। तो ये मेरा फ्राई हो गया, मतलब मम्मी ने किया है, और इधर साइड में मम्मी के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो चलो पहले खा पी लेते हैं और फिर आराम से। मम्मी के पैर छू रही हूँ, तो अपने घर के बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लिए जाते हैं। और उसके बाद आज नाश्ते में ये चना और मटर जो है वो रात में भिगो दिए गए थे, और यहाँ पर मम्मी की कॉफ़ी बन गई है। और इधर साइड चने अभी थोड़े से रखे हुए हैं, अभी मैं निधि भी चने लेंगे, और साइड में चाय भी हमारी बॉयल हो रही है। लगी हुई है, बर्तन वगैरह सेट करके रख रही है, और हम दोनों लोग किचन के कामों में लगे हुए हैं। और बहुत सारा आज खाना है, त्योहार के दिन थोड़ी भागदौड़ हो जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, सबके यहाँ यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो छोला है हमारा बन चुका है, और मैं छोले में जो है वो पानी डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे बनानी है कद्दू की सब्ज़ी, तो यहाँ पर मैंने कद्दू और आलू जो है वो बॉयल करके रख लिया है। और पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, जलने का डर रहता है, आजकल गर्मियों में ना कुछ ज़्यादा ही हीट रहती है। और उसके बाद इधर साइड में चावल जो है वो कुकर में भर करके रख दे रही हूँ, तो एक सीटी में चावल भी पक जाना है, उसके बाद आलू कद्दू की सब्ज़ी बन जाएगी। और दूसरी साइड इधर मैं सेवई जो है वो भून रही हूँ, मतलब गैस में, इसका कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, जब रेड कलर की हो जाएगी तब बनाएंगे। तो देख सकते हो अभी हमारी सेवई जो है वो भून चुकी है, और साइड में दूध जो है वो सेवई के लिए बॉयल हो रहा है। और अब मैं पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ, पहले मैं पूड़ियाँ जो है वो बना करके रख दूंगी, हॉटकेस में लगा दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में कद्दू की सब्जी बना लूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले कद्दू की सब्जी बनाऊंगी तो फिर मुझे कढ़ाई वॉश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं पूड़ियाँ बना पाऊंगी, या फिर दूसरी कढ़ाई यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ाने वाली हूँ, तो यहाँ पर फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना करके पहले रख दे रही हूँ। Thank you.
यहाँ पर देख सकते हो आप से वही बन चुकी है, और इधर साइड छोले भी बन चुके हैं, और ये देखो कद्दू की जो सब्ज़ी है वो भी बन करके रेडी हो चुकी है। और इधर साइड देख लो हमारी मेहंदी का कैसा कलर आया हुआ है, बहुत हड़बड़ी में लगाई है, तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। और मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ पैरों में महावर, क्योंकि आज है त्यौहार का दिन और त्यौहार के दिन पैरों में महावर ज़रूर लगाते हैं, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, और मम्मी लगा चुकी हैं अपने पैरों में। और उसके बाद ये देख सकते हो महावर लगने के बाद मेरे पैर कैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगने लगते हैं महावर लगने के बाद पैर। तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। और मेरा किचन का काम अभी जो है वो ख़त्म हो गया है, खाना मेरा बन चुका है, और अभी मैं थोड़ा सा बाहर आके बैठ गई हूँ, और बाल मैंने आज खोल लिया है, आज नहीं मतलब अभी तक मैंने बांध के रखा था किचन में जब तक काम कर रही थी, अभी मैंने खोल लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीने से बाल ना चिप 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 सा लगने लगा, तो मुझे लगा थोड़ा सा फ़ैन के नीचे बाल खोल के रख लेती हूँ तो पसीना भी सूख जाएगा। और आज देखो धूप बहुत तेज वाली धूप निकली है, बहुत ही तेज़ धूप है, तो और अद्य भी नहा चुकी है ये देखो, और अभी इसके भी बाल गीले हैं, तो अभी मैंने इसको कॉम नहीं किया हुआ है ना दू है ना, और बस आकर के बाहर बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी एक आदत है ना, मैं किचन के काम करती रहती हूँ और फिर सोचती हूँ सारा काम जब ख़त्म हो जाएगा तभी बाहर जाऊँगी, तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो बस मैं बाहर आकर के बैठ गई हूँ। और ये देखो अभी मेहंदी तो मैंने अपने हाथों की आपको दिखाई ही नहीं, और ये देखो निधि के हाथों की मेहंदी देख लीजिए, और इसने भी एक हाथ में लगाया और मैंने भी एक हाथ में। रीज़न रात में जब हम मेहंदी लगाने के लिए बैठे ना, तो आद्या जग रही थी, तो मुझे तो एक ही हाथ में लगाना मुश्किल हो गया, मम्मी इसको संभाले हुई थी, और ये ना मेहंदी देखकर इतना डर रही थी कि मतलब मेरे पास ही नहीं आ रही थी, फिर इसको मुझे सुलाना भी था, तो मैं राइट हैंड में बिल्कुल नहीं लगा पाई, तो अभी मेरा राइट हैंड सूना है, अभी दिन में हम लोग लगा लेंगे, और लेफ्ट हैंड में मैंने लगा लिया है, ये देख सकते हो चूड़ी भी पहन ली है, ये देखो ये निधि का हाथ है और ये मेरा हाथ है, तो एक एक हाथ में हम दोनों ने लगा लिए, लेकिन दोनों हाथ मिलकर एक हाथ हो गया है एक कंप्लीट हाथ में लग गई है, और एक एक हाथ हम लोगों का सूना है, तो ये सिंपल सी पीछे भी लगा ली है, और शगुन करना रहता है, मम्मी को भी बहुत बोला कि आप भी लगा लो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं अभी आज मन नहीं है, रक्षाबंधन तक लगाएंगी। और इन्होंने कल हाथ फैला दिया इसने मेरे सामने कि मैं इसके लगा दूँ, और ये मेरे लगाते, मैंने कहा नहीं अपने अपने लगाते हैं जल्दी हो जाएगा, वरना एक एक के लगाएंगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलो अभी मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस आद्या फैमिली चैनल।